वो हम किस पर स्टार्ट करेंगे? ब्लड पर स्टार्ट करेंगे। आज आपको हम ब्लड के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि ब्लड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, कोई भी परीक्षा आप देते हैं उसमें, तो सबसे पहले क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं सभी को क्या करना है, एक शब्द याद करना है। वो शब्द है हीमैटोलॉजी। क्या शब्द है? हाँ, हीमैटोलॉजी। कुछ लोग पूछते हैं सर ये क्या लिखा है, तो उनको ये बताना है सर ऐसा है, विज्ञान की एक शाखा है, बायो की एक शाखा है, जिसमें केवल और केवल हम किसका अध्ययन करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुधिर का अध्ययन होता है, ब्लड का अध्ययन होता है, तो आपको क्या टिक लगाना है? हीमैटोलॉजी। बोलो भाई, याद रहेगा? बात क्लियर हो रही? हम सभी लोग जानते हैं, जितने लोग क्लास में हैं, कि हमारे शरीर में रुधिर का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा का मतलब बोन मैरो। हम लोगों की बॉडी में ब्लड का निर्माण यही होता है, बोन मैरो में ब्लड बनता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी जन्म नहीं लिए हैं, अपने मम्मी के पेट में हैं, उनमें ब्लड का निर्माण यहाँ नहीं होता। उनके लिए आपको स्पेशली याद करना है, उनमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? यकृत का मतलब है इंग्लिश में लीवर। बोलो भाई, याद रहेगा? दूसरी बात, आपको एक अंग है जिसका नाम है, ये क्या नाम है उसका? प्लीहा। कभी कभी एसएससी के एग्जामों में इसे तिल्ली नाम से पूछता है। किस नाम से पूछता है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। ये हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। हमारे शरीर का ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है, इस बात को हम बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। हमारे शरीर का, अभी आप उस वर्ड से पहले फैमिलियर हो जाइए। ये चार बातें क्लियर हुई आपको? बताइए, विज्ञान की किस शाखा में ब्लड का अध्ययन होता है? आप मुझे बताइए, हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? और जो बच्चे पेट में हैं उनमें? लीवर में। याद रहेगा? और हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसको कहा गया है? कुछ नॉर्मली बातें हैं जो हर इंसान को याद होना चाहिए। जैसे एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना ब्लड होता है? और स्त्रियों में वैज्ञानिकों ने लिखा है 4 से 5 लीटर। स्पेशली क्वेश्चन दे एग्जाम में, स्त्रियों में रुधिर की मात्रा है, तब आप ये टिक करेंगे। स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ व्यक्ति कह रहा है तो आप क्या टिक करेंगे? बोलो भाई, याद रहेगा? एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में Hb लिख सकते हैं, इसका जो परसेंटेज है वो 14 से 18% होता है। और उसके बाद अगर फीमेल का पूछता है तो आप 12 से 16% टिक कर दीजिए। स्पेशली फीमेल का पूछेगा तो आप 12 से 16% टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको क्या टिक करना है? 14 से। बोलो भाई, याद रहेगा? हम लोगों का जो ब्लड है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 क्या होता है? 4 होता है, 7.4 होता है। ये जो पीएच वैल्यू 7.4 है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा ब्लड जो है वो क्षारी है, मतलब बेसिक है। कैसा है भाई? 7 से ऊपर है तो बेसिक कहा जाता है, और 7 से अभी उठा ही है तो हम लोग हल्का बेसिक कहते हैं, यानी लिटिल बेसिक, हल्का क्षारी कहते हैं। बोलो भाई, याद रहेगा? बात क्लियर हो रही हमारी? दूसरी बात, अगर कभी हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो विज्ञान में इस नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम लिखा है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारे शरीर में 3 चीजों की कमी को इंडिकेट करता है। परीक्षा में आपको एनीमिया का मतलब पूछ ले, उन तीनों में से कुछ भी आपको दे दे, आप उसको टिक कर दीजिए। क्या क्या कमी इंडिकेट करता है? पहला तो आयरन की कमी दे सकता है, एग्जाम में दे सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी दे सकता है, और दूसरा आपको दे सकता है रुधिर की कमी। क्या दे सकता है? मतलब ब्लड की कमी। इन तीनों में से कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो क्या समझा जाएगा? बोलो भाई, याद रहेगा? दूसरी बात, हम सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर का जो भार होता है, शरीर का जो भी वेट है, उस वेट का 7 से 8% ब्लड होता है। कितना परसेंट ब्लड होता है? 7 to 8% ब्लड होता है। यानी अगर हमें अपने शरीर का ब्लड निकालना है कि हमारे शरीर में कितना ब्लड है, तो हम 8% निकाल लेंगे। पुरुष हैं तो 8%, स्त्री हैं तो 7% हम ब्लड निकाल सकते हैं अपने शरीर के भार का। बोलो भाई, याद रहेगा?
अच्छा ये तो हमें नॉर्मली बातें याद हो गई, अगर याद हो गई मुझे से बताइए जनरल वे में विज्ञान की किस शाखा में ब्लड का अध्ययन होता है? हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? जो बच्चे पेट में है उनमें? हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लेन को। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होना चाहिए? और स्त्रियों में? एक स्वस्थ मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? और स्त्रियों में? हमारे ब्लड का पीएच मान कितना है? तो ब्लड हमारा एसिडिक है कि बेसिक है? बात क्लियर। अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हुई तो क्या कहा जाता है? एनीमिया किसकी किसकी कमी को इंडिकेट करता है? हमारे शरीर के कुल भार का कितना परसेंट ब्लड है? इतना याद हुआ आपको? जानते हैं वैज्ञानिकों ने बताया कि हम लोगों का जो ब्लड है उसको दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। सिर्फ हमारे ब्लड में दो ही चीज है। आपसे कोई पूछे कि क्या क्या ब्लड में होता है, आपको कहना सर सिर्फ दो चीजें हैं, दो के अलावा तीसरा कुछ ब्लड में है ही नहीं। कोई पूछे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड में होता है पहला कड़काएं। कड़काओं को हम लोग इंग्लिश में कार्पल्स कहते हैं। अगर कार्पल्स हमें कठिन लगे कहने में तो हम सेल्स भी कह सकते हैं कि सर पहला सेल्स है। और दूसरा हमारे ब्लड में है प्लाज्मा। क्या है? हाँ, दो चीजें हैं हमारे ब्लड में, पहला सेल्स दूसरा प्लाज्मा। तो जब दो ही चीजें हैं तो वैज्ञानिकों ने परसेंटेज भी बता दिया कि 40-45% जो होता है ये सेल्स होती हैं। और जब दो ही चीजें हैं तो हम 100 में से घटा के निकाल देंगे दूसरे को, तो यानी 55-60% क्या होता है? प्लाज्मा। बोलो भाई याद रहेगा? अच्छा ये जो सेल्स हैं ये इनके तीन टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं इनके सेल्स की। पहली सेल्स है कौन से? दूसरी सेल है कौन सी? और तीसरी है कौन सी? प्लेटलेट्स। बोलो भाई याद रहेगा? हम लोग प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं इंग्लिश में, कोई इसका अलग से नाम नहीं है। अच्छा आरबीसी जो होता है इसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं। बात क्लियर। विज्ञान की भाषा में इनको WBC को शरीर का सिपाही कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपाही या सैनिक कहते हैं। आपको परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि हमारे शरीर का सिपाही या सैनिक किसे कहा जाता है, तो क्या टिक करेंगे? उसका कारण सिर्फ, हाँ उसका कारण सिर्फ एक ही होता है। उसका कारण होता है कि WBC जो होते हैं ये हमारे ब्लड में प्रतिरक्षा, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करते हैं। किसको विकसित करते हैं? इम्यून सिस्टम को विकसित करते हैं। इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भैया इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है रोगों से लड़ने की क्षमता। बोलो भाई याद रहेगा? रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारे शरीर में कौन विकसित करता है? WBC। इसीलिए इनको शरीर का सिपाही कहा गया, शरीर का सैनिक। भाई शरीर को बचाते हैं ना रोगों से, बीमारियों से, तो जो देश को बचाए वही तो सिपाही होता है। बात क्लियर। अच्छा ये जो होता है इसका क्या नाम है? प्लेटलेट्स। इनको विज्ञान की भाषा में हमारे शरीर का नर्स कहा गया है, हमारे बॉडी का नर्स कहा गया है। कुछ लोग पूछते हैं भाई नर्स क्यों कहा? कहा सर ऐसा है जब कभी हमको चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, कहीं कट जाता है, तो हमारा ब्लड कंटिन्यूसली दिन भर बहता ही नहीं रहता, हमारा ब्लड क्या हो जाता है? बंद होता है। तो वो ब्लड का क्लॉट बनाते हैं कौन? ये जो प्लेटलेट्स है, क्योंकि ये चोट लगता है तो वहां पे धक्का बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं। तो जब क्लॉट बनता है तो ब्लड का बहना क्या हो जाता है? बात क्लियर हो रही? तो उनके काम के आधार पर ऐसा उनका कॉमन नेम दिया गया है। जो शरीर को बचाए, रोगों से बचाए, वो शरीर का सिपाही हो गया। जो रुधिर का थक्का बना देता है वो हमारा क्या हो गया? नर्सिंग तो करते हैं, बैंडेज पट्टी। बात समझ आ रही है? तीसरी बात, ये जो प्लेटलेट्स है इनसे रिलेटेड आपको क्या करना है? चार बातें दिमाग में बैठा लेना है इनसे रिलेटेड। क्या चार बातें बैठाना है? रुधिर का थक्का तभी बनेगा जब हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन होगा? विटामिन के। वो तो थक्का बनाएंगे लेकिन ये सब भी होना चाहिए हमारे शरीर में। इसके अलावा हमारे शरीर में थ्रोम्बिन प्रोटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ थ्रोम्बिन प्रोटीन होना चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर में फाइब्रिनोजन प्रोटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों का जो थक्का है वो 2-8 मिनट में बन जाना चाहिए।
कितने मिनट में? 2 से 3। तो आप मुझे बताइए, रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? कौन कौन सी प्रोटीन चाहिए? और कितने मिनट में थक्का बन जाना चाहिए? रुधिर का थक्का कौन बनाते हैं? और शरीर को कौन बचाता है बीमारियों से? व्हाइट ब्लड सेल्स। याद रहेगा? हम सभी लोग जानते हैं ये जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इनके बारे में दो दो बातें दिमाग में और बैठाना होता है। पहली बातें बैठाना होता है इनकी संख्या हमारे ब्लड में कितनी है नंबर। दूसरा बैठाना होता है इनका जो है जीवन काल, इनका लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल। जीवन काल का मतलब है लाइफ स्पैन। ये दो दो बातें दिमाग में और रखनी है। तो ये जो आरबीसी होता है इसका जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? और जो डब्ल्यूबीसी है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। और जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। बोलो भाई, याद रहेगा? और हमारी एक बूंद जो रक्त है, 1 drop of blood है, वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 54 लाख डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं, सॉरी आरबीसी कितने पाए जाते हैं? 54 लाख। और स्त्रियों में लगभग 48 लाख। कितने हैं? 48। और अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 5 से 9 हजार होते हैं हमारे एक बूंद में। ऐसा हम लोग बताते हैं एक बूंद में, अभी हम आपको बताएंगे कैसे वो क्या होता है। 5 से 9 हजार होते हैं। बोलो भाई, बात होता है हमारे। दूसरी बात, हमारे जो ये प्लेटलेट्स हैं ये 2 से 5 लाख होते हैं, 2 से 1 बूंद में होते हैं। तो आप मुझे बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना है और डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का? आप मुझे बताइए हमारे एक बूंद रक्त में कितनी आरबीसी है और फीमेल में और डब्ल्यूबीसी की संख्या? ये फीमेल में फीमेल दोनों का है और ये प्लेटलेट की संख्या? बोलो भाई, याद रहेगा? साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में ये जो लिखा हुआ है आरबीसी, इनको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? हाँ, एरिथ्रोसाइट्स, इनको विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा एरिथ्रोसाइट्स है तो आप आरबीसी को समझिएगा। साइट्स नाम ये सबके पीछे रहता ही है, बस आपको दिमाग में ये बैठाना होगा कि आरबीसी के लिए एरिथ्रो वर्ड यूज करते हैं और डब्ल्यूबीसी के लिए ल्यूकोसाइट्स। क्या यूज करते हैं? ल्यूकोसाइट्स यूज करते हैं डब्ल्यूबीसी के लिए। बोलो भाई, याद रहेगा? और प्लेटलेट्स के लिए थ्रोम्बोसाइट्स। क्या यूज करते हैं? हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स यूज करते हैं। ठीक है, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। बोलो भाई, क्लियर हो जाएगा? अच्छा, ये तो आपको बातें क्लियर हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये इनको ब्लड बैंक इसलिए कहा गया है, स्प्लीन को। हमारे हमारे शरीर में स्टमक के पीछे है ये स्प्लीन। वैज्ञानिकों ने बताया, कहा कि ऐसा है जब कभी हमारा शरीर बीमार होता है, यानी हमारे शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है, उस स्थिति में ब्लड का निर्माण ये तो करते ही हैं ये, लेकिन इनके निर्माण करने से शरीर को पूरा नहीं होता। तो जब इनके निर्माण करने से शरीर को पूरा नहीं पड़ता तो उस विषम परिस्थिति में हेल्प करने लगता है, उस विषम परिस्थिति में बनाने लगता है। कौन? मतलब ब्लड का फॉर्मेशन भी करते हैं। और हर समय इनके पास 120 ml से 160 ml ब्लड हर समय होता भी है। तो भाई ब्लड बैंक में तो ब्लड हमेशा रखा रहता है ना, और विषम परिस्थितियों में जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो वहां पहुंच के हम ले लेते हैं। वैसे हमारे शरीर को जब आवश्यकता पड़ेगी तो ये हेल्प करने लगता है कि खून तो कम हो रहा है, काम करो हम हेल्प कर दें। बात बन जा रही है? काम देखा वैज्ञानिकों ने, कह दिया भैया ये हमारा ब्लड बैंक है। समझ में आया? दूसरी बात, ये जो आरबीसी लिखा है ना, इसका कब्रिस्तान भी कहा जाता है इनको। एग्जाम पूछेगा आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी आरबीसी का कब्रगाह, या पूछेगा आरबीसी का ग्रेवयार्ड, किसको टिक करेंगे? दोनों से टिक करें। क्यों जानते हैं? आरबीसी का जब लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, जीवन काल पूरा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, पूरा हो जाने के बाद आरबीसी का जीवन काल जब पूरा हो जाता है तो वो उनकी डेथ इसी में होती है। तो भैया जो मरे हुए लोग होते हैं कहाँ ले जाते हैं हम लोग? कब्रिस्तान में ले जाते हैं ना, तो उनकी डेथ उसी में हो रही है।
तो इसका मतलब प्लीहा में आरबीसी की डेथ होती है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, तो सिर्फ इसी वजह से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर? तो आप मुझे बताइए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला गया और ब्लड बैंक किसको बोला गया? कारण समझ में आया? हमारे शरीर में ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? और जो बच्चे पेट में है, ब्लड बैंक किसको कहा गया? स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होना चाहिए और स्त्रियों में? स्वस्थ मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए और स्त्रियों में? हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है? ब्लड एसिडिक है कि बेसिक है? लिटिल बेसिक। बोलो भैया रहेगा। अच्छा आप मुझे बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन होगा, ब्लड को दो भागों में बांटा गया, पहला क्या, दूसरा? तो सेल्स कितने परसेंट है और प्लाज्मा? 55-60। सेल्स कितने टाइप्स की हैं? कौन कौन से? बोलो भैया रहेगा। आप मुझे बताइए आरबीसी का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का? आरबीसी का जीवन काल कितना है? डब्ल्यूबीसी का? और प्लेटलेट्स का? एक खून में कितनी आरबीसी है? और फीमेल में कितनी डब्ल्यूबीसी है? एक मेल में दोनों का है। और प्लेटलेट्स कितने हैं? ये भी दोनों का है। बोलो भाई याद हो गया? हमारे शरीर में ये सारी बात क्लियर होगी आपको? रुधिर थक्का बनाने के लिए कौन से विटामिन चाहिए? कौन से प्रोटीन चाहिए? और कौन सी प्रोटीन? और कितने मिनट में बन जाना चाहिए? इतना क्लियर हुआ? बस एक दो बातें और बताने फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये जो आरबीसी लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने कहा है भैया ऐसा है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर पाया जाता है। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके लाल रंग बना लेता है। वैसे कलर लाल नहीं होता है इसका, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं अभी कि हीमोग्लोबिन का कलर लाल रंग का हो जाता है। तो जब हमारा हीमोग्लोबिन ही लाल है तो उसने हमारी आरबीसी को लाल बना दिया। जब हमारी आरबीसी को उसने लाल बना दिया तो जाहिर सी बात है कि हमारे एक बूंद में कितने आरबीसी हैं और सब रेड कलर की, तो हमारा ब्लड कैसा दिखाई देगा? तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि हमारे रुधिर के लाल होने का कारण है तो क्या ठीक करेंगे आप? हाँ, यही है जो हमारे ब्लड को लाल करता है। बोलो याद रहेगा। अब ये लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछा कि हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम मतलब हीमोग्लोबिन का फंक्शन है और ब्लड को लाल करना ऑप्शन में नहीं था, तो एक काम और करता है। पहले आप मुझे बताइए हम लोग कौन सी गैस लेते हैं सांस में और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऐसा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ऐसा हम जानते हैं, लेकिन जब हम सांस खींचते हैं ना तो पूरी की पूरी एयर जाती है हमारे फेफड़ों में। हमारे पास दो फेफड़े हैं, उन दोनों फेफड़ों में करोड़ों एयर सैक्स हैं। बात समझ आ रही है? उन सभी एयर सैक्स में यानी वायु कोष्ठक में फिर वो हवा भर जाती है और हवा में तो सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। बात समझ में आ रही है? जब सारी गैसें हवा में हैं तो वहां से केवल ऑक्सीजन हमारे ब्लड में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, परमिएबल है। और हमारे ब्लड में पहले से उपस्थित है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उन ऑक्सीजन से ज्वाइंट हो जाता है। अगर वैज्ञानिक वर्ड यूज करें तो केमिकल बॉन्ड बना देता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन को ले चल के हमारे शरीर की सभी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। भाई आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में कि जीवधारियों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारी हर सेल में माइटोकांड्रिया होती है, पढ़ा कि नहीं? तो अगर पैर के अंगूठे में सेल्स को जरूरत है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की, माइटोकांड्रिया को जरूरत है ऑक्सीजन की, तो यहाँ फेफड़ों से ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कौन है? और वहां से खाली हाथ नहीं आता, वहां से हीमोग्लोबिन कहता है कि भैया आपके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमको दे दीजिए। तो वो लोग कहते हैं भैया ऐसा है कि माइटोकांड्रिया क्या कर रही है, ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज को जला रही है, तो हमारे पास सिर्फ धुआं है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमें वापस कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन ला करके हमारे जो है फेफड़े में छोड़ देता है। बात पकड़ में आया? मतलब O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर हो गया? जब O2 को ले जाता है तब इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जब CO2 को ले आता है तब इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर हुआ?
हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन बताइए आप मुझे। मेरा क्वेश्चन होगा कि हमारे ब्लड को लाल कौन करता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? तो आप मुझे बताइए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कौन है जो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है? जब हीमोग्लोबिन O2 ले जाता है तब उसे किस नाम से बुलाते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और जब CO2 लाता है तब? कितना क्लियर हुआ? दो काम समझ में आया। वैज्ञानिकों ने कहा कि हीमोग्लोबिन को ये नाम भी बुलाया जाता है श्वसन रंगा। क्या बुलाया जाता है? यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आपसे कोई बोले भैया इसका क्या मतलब? कैसे मतलब ये है हीमोग्लोबिन श्वसन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, O2 और CO2 पहुंचा रहा है तब इस तरह से रेस्पिरेशन कर पा रही है। दूसरी चीज रंगा इसलिए कहा गया, पिगमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। समझ में आया? तो एग्जाम में आएगा श्वसन रंगा किसको कहा जाता है, तो क्या टिक करेंगे? कारण समझ में आया? अगर हम हीमोग्लोबिन को पूरा लेते हैं चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में ऐसे पूरा लेते हैं, वैज्ञानिकों ने कहा ये जो हीम शब्द है ये आयरन है। क्या है? आयरन। और ये जो ग्लोबिन शब्द है ये प्रोटीन है। ग्लोबिन शब्द क्या है? प्रोटीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन का निर्माण दो चीजों से मिलकर होता है, आयरन और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, निकल कॉपर कोबाल्ट और आयरन। तो क्या करेंगे? बोलो भाई याद हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लोबिन। कौन सी प्रोटीन? हमारे ब्लड की प्रोटीन का क्या नाम है? ग्लोबिन। बोलो भाई याद है, क्लियर हो गया। अच्छा ये तो मैंने बता दिया हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण इन चीजों से हुआ है। आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हीमोग्लोबिन से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपका क्वेश्चन जो है आंसर छूटेगा ही नहीं। उसका पीछे कारण क्या है? हीमोग्लोबिन का परसेंटेज पूछेगा शरीर में 14 से 18, स्त्रियों में 12 से 16। हीमोग्लोबिन का काम पूछेगा ब्लड को लाल करना, ऑक्सीजन O2 CO2 परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का निर्माण पूछेगा दो चीजों से, आयरन और प्रोटीन। बोलो भाई याद रहेगा। और हीमोग्लोबिन ये सब चीजें अगर पूछता है तो आप सारी चीजें बता देंगे, उसको श्वसन रंगा कहा जाता है। क्लियर हो? बस आपको RBC के बारे में अच्छी जानकारी हो गई, WBC हो गया और कौन सा हो गया? बस जो ये आपका तीनों अगर कवर हुआ तो इसका मतलब ये जो पहला वाला था कणिकाएं ये कवर हो गया। अब किसके बारे में? प्लाज्मा से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं पूरे एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछता है? प्लाज्मा में पूछता है जल की मात्रा। किसकी मात्रा पूछता है? तो 90 से 92% जल होता है किसमें? प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर का पूछा, हमारे शरीर में कितना जल होता है, तो 65 से 75%। कितना बताएंगे? 65-75% शरीर का पूछेगा। और प्लाज्मा वर्ड लिखा है क्वेश्चन में तो क्या टिक करना है आपको? 90 से 92%। बोलो भाई याद रहेगा। दूसरी बात, वाटर का हमारे शरीर में केवल एक ही काम है, काम तो और भी है लेकिन मुख्य रूप से एक ही काम है उसका, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसको मेंटेन करता है? तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है कौन? वाटर। बोलो भाई याद रहेगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया ऐसा है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग पे है, या 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, और यह हम कर सकते हैं 310 केल्विन। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे शरीर का तापमान, उस दिन मनुष्य के शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310। और फॉरेनहाइट में 0.4। और अगर पूछ लेता है सेल्सियस में लगभग 36.9 माना जाता है लगभग 37 का। बोलो भाई याद रहेगा। बात पढ़ में आ रही आपको? सारी बात क्लियर हो गई है, बस एक बात और बताना है। ये जो प्लाज्मा लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने कहा कि प्लाज्मा में एक शब्द आप याद कर लीजिए, ये लिखा है, क्या नाम लिखा हुआ है? हेपरिन। क्या नाम लिखा हुआ है? ये एक प्रकार का एंटी कोआगुलेंट है, प्रतिजामन है हमारे प्लाज्मा में।
एंटीकोआगुलेंट का मतलब होता है हमारा ब्लड कभी जमेगा नहीं, हमारा ब्लड कभी जमेगा नहीं, हम कहीं चले जाएं, ऑल ओवर वर्ल्ड पे घूमने चले जाएं, ठंडी बहुत पड़ रही है तो हमारे शरीर के अंदर का ब्लड कभी जमने वाला नहीं। किसकी बदौलत? यस भाई, ड्यूटी कर रहे हैं बीएसएफ वाले ना, बहुत से ठंडी पड़ रही है, सियाचिन लद्दाख में टेम्परेचर माइनस में हो जाता है, तो अगर -30, -35 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया तो क्या उनके शरीर के अंदर ब्लड जम जाता है? अगर जम जाए ब्लड अंदर हमारी वेन्स में या आर्टरीज में अगर ब्लड जम जाए तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया ऐसा है कि ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा, और ब्लड का अगर फ्लो बंद हो गया तो सबसे पहले हमारा हार्ट फेल होगा। भाई हार्ट काम तभी करेगा जब हमारे शरीर का क्या होता रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। बात क्लियर हुई? हमारे शरीर ब्लड क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड कभी जमेगा नहीं, किसकी बदौलत? अधिकरण कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है? बोलो भाई, याद रहेगा? ऐसा एक छोटा ओवरऑल समझ में आया? अब आप कुछ क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट, फिर आपको हम जो है इस चीज को जो लिखा लेते हैं। पहले आप मुझे बताइए, मैंने आपसे क्वेश्चन होगा कि हमारा जो ब्लड होता है वो लाल किसकी बदौलत होता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर का सिपाही किसको बोला गया? हम लोग इसी को शरीर का सिपाही क्यों कहते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता को। अच्छा, हमारे शरीर में नर्स किसको बोला गया है? क्योंकि ये रुधिर का थक्का बनाते हैं, तो रुधिर का थक्का कितने मिनट में बन जाना चाहिए? और कौन सा विटामिन चाहिए, कौन कौन से प्रोटीन चाहिए? फाइबिन ऑक्सन, याद रहेगा? आप मुझे बताइए हमारे प्लाज्मा में जल कितना परसेंट है और हमारे शरीर में 65 से 75%। तो हमारा जो वाटर होता है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन कर रहा है ये प्लाज्मा वाटर, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? वह कौन सा पदार्थ है जो हमारे ब्लड को कभी जमने नहीं देता? हिपैरिन का पाया जाता है ना, जमने आएगा हिपैरिन है, तो एंटीकोआगुलेंट, प्रतिजाम, ब्लड को जमने नहीं। बोलो भाई, समझ में आया? बात क्लियर हुई? हमारे शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला गया है? हमारे शरीर ब्लड बैंक किसको बोला गया है? एक सब मनुष्य में कितना ब्लड होता है और स्त्रियों में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज? ओवरऑल एक जनरल इंट्रोडक्शन मन में आया आपको? अभी ब्लड में बहुत कुछ बाकी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ही बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इसको हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। हमारा अगला जो वीडियो रिलीज होगा उसमें बता देंगे कि हमारे ब्लड में और चीजें क्या पढ़नी है आपको। अभी ये पहला वीडियो, समझ में आ गया? यस सर। ठीक, स्टार्ट।